अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट न्यू लीगल लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है इलीगल मैरिज। देखिए, इलीगल मैरिज क्या हो सकती है? गैर कानूनी शादी। वो कौन सी शादी है जो गैर कानूनी होती है? देखिए, इलीगल मैरिज ऐसी शादी जो कानूनी जरूरत को पूरा नहीं करती, उसको हम कहते हैं इलीगल मैरिज। यानी सिंपली मैरिज दैट डज नॉट कन्फॉर्म टू द लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मैरिज, उसको कहा जाएगा कि ये इलीगल मैरिज है। यानी अगर ऐसी शादी की जाती है जिसमें एक पार्टी का ताल्लुक किसी खास ग्रुप से है, कोई मजहबी ग्रुप से है कि उसका एक सेक्स से ताल्लुक है, तो दूसरे का दूसरे सेक्स से अगर ताल्लुक है, तो फिर ऐसी शादी, और इसके अलावा ऐसी शादी जो अंडर एज होती है, तो ये शादी कहलाएगी ये इलीगल मैरिज। यानी ऐसी शादी इसमें एक ताल्लुक का ताल्लुक एक मजहब से है और दूसरा दूसरे मजहब से है, तो ये एक शादी इलीगल होगी। और इसके अलावा अंडर एज शादी अगर है, किसी भी पार्टी की उम्र कम है 18 साल से कम, तो उस सूरत में वो भी शादी इलीगल कहलाएगी। या जो किसी कानून के किसी प्रोविजन की खिलाफ वर्जी करते हैं, किसी शिक की किसी कानून की खिलाफ वर्जी में के नतीजे में अगर शादी होती है, तो ऐसी शादी जो होगी वो इलीगल शादी कहलाएगी। यानी अनलॉफुल एंड इनवैलिड अंडर द लॉ ऑफ द ज्यूरिडिक्शन वेयर इट इज इंटर्ड, दैट विल बी कॉल्ड इलीगल मैरिज। या फिर वो शादी जो सेम जेंडर के दरमियान हो, उस शादी को भी हम इलीगल शादी कहेंगे। सेम जेंडर के यानी मेल की मेल के साथ, फीमेल की फीमेल के साथ, ऐसी शादी को भी इलीगल मैरिज कहा जाता है। और सेम सेक्स से शादी जो ये इलीगल है, ये मना है और इलीगल है। और इसके अलावा ऐसी शादी जिसमें कोई एक फरीक की उम्र कम हो, यानी अंडर एज मैरिज हो, लड़का की या लड़की की 18 साल से कम अगर शादी होती है, तो ये भी कानून की खिलाफ वर्जी होगी, ये भी इलीगल शादी कहलाएगी। बाज़ औक़ात शादी चाहे लीगल हो या इलीगल हो, उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती है। मसलन ग्रीन कार्ड की शादी, और इसके अलावा जब यूएसए का कोई शहरी किसी दूसरे शहरी से ग्रीन कार्ड के लिए शादी करता है, तो ये ऐसी शादी भी इलीगल शादी कहलाएगी। और अपने हकूक के लिए शादी का लीगल होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर लीगल होगी तो आपको राइट्स मिलेंगे, अगर शादी ही लीगल नहीं है तो स्पाउस को कोई लीगल राइट नहीं मिलेंगे। और बाज़ औक़ात तो ये होता है ऐसी इलीगल मैरिज में आपको पनिशमेंट भी हो सकती है, सज़ा भी हो सकती है। या फिर इसके अलावा नामहरम रिश्तों के साथ अगर शादी इस्लाम में हराम है, वो भी इलीगल शादी कहलाएगी। और खूनी रिश्तों के साथ साथ अगर सेक्सुअल ताल्लुकात कायम कर दिए जाते हैं, क्लोज रिलेशन कायम कर दिए जाते हैं, तो ऐसी शादी फिर की जाती है, तो ये शादी भी इलीगल शादी होगी, ये भी गैर कानूनी शादी होगी। ऐसी शादी जो शुरू ही से गलत होती है और दुरुस्त नहीं हो सकती, वो शादी जो है वो गलत शादी होगी, गैर कानूनी शादी होगी। या ऐसी शादी को हम वाइट मैरिज भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम दे सकते हैं कि बाइगैमी की शादी इलीगल होगी। और इसके अलावा इनसेंस है, अंडर एज है दूसरे लफ्जों में, और इसके अलावा मेंटल इनकैपेसिटी, कंसेंजुइनिटी है, एफिनिटी है, और इसके अलावा फोस्टर एज है। इन रिश्तों की बुनियाद पर अगर शादी की जाती है, ना महरम रिश्तों की बुनियाद पर शादी की जाती है, तो ये शादी भी इलीगल मैरिज होगी। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर कि इलीगल मैरिज। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अपना और अपने गिर्द नवा का बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।